जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ता उन्हें अपनी कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए बेलर गूंदी से सीता कसा सड़क की जांच की मांग की है और 7 दिवस के भीतर जांच नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने कहा कि बेलर गूंदी से सीता का सड़क में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हुआ है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर इस निर्माण कार्य का बिल पास कराने जुटे हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिवस के भीतर इस सड़क निर्माण की जांच नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ से ऐसे क्यों हम लेके थोड़ी जाएंगे, दिखा दीजिए। आपने शिकायत पत्र हमने दिया आपको, आपने हमको लिख के बोला भाई कल आया था मैंने, और कितने बार कंप्लेन। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बैनर तले आज राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग के ई सिन्हा जी को हमारे द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, पुनः शिकायत पत्र दिया गया है। इससे एक हफ्ते पहले भी शिकायत पत्र दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं किया। हमने पुनः शिकायत पत्र यहाँ पर दिया है। हमारी शिकायत इस प्रकार है कि इनके विभागीय क्रमांक 2 बेलर गोंदी से सीता कसा सड़क नवनिर्माणित सड़क जिसमें गुणवत्ताहीन कांड हुआ है। उनका कहना है कि मेरे समक्ष जो रोड का जाँच करो जो है अच्छा नहीं बन रहा है, ये कहना है। तो मेरा ये कहना है कि सारे जो रोड भी जो भी काम होता है उसकी जांच रेगुलरली होता है और जो सही पाने के बाद ही आगे के काम चालू करते हैं जो है। सर उसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहे हैं। अब वो पब्लिक तो या जो भी भ्रष्टाचार बोले जो भी बोले वो तो स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रोड अच्छा बना है। इस मामले में जाँच कराई गई है कि नहीं कराई गई? जाँच तो प्रक्रिया हमें वो सतत चलता है।